झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत
प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो, जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। चिंता छोड़ो और सो जाओ, परमेश्वर आपकी सभी चिंता और परेशानियों से बहुत बड़ा है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जमाने की इस भीड़ में जिंदगी कहाँ सुकून पाएगी। बैठो कभी दो पल तन्हाइयों में, खुद की खुद से मुलाकात हो जाएगी। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी ना पाए। लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिसके कुएं से लोग पानी पी रहे हैं वो कभी सूखता नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली उसका कल भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है पर उनको तुम्हें नहीं देना, ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। ये बात जितनी चुभेगी उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। एक ही समानता है पतंग और जिंदगी में, ऊंचाई में हो तब तक वाह वाह होती है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती है। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वो कद्र नहीं करता। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। संभव ना हो तो मना कर दे, पर किसी को अपने लिए इंतजार ना करवाएं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मन में जो है उसे साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। अच्छा दिल और स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिलों से कई रिश्ते बनते होंगे और अच्छे स्वभाव से वह जिंदगी भर टिक पाएंगे। तुम्हें पता नहीं
शायद वो अपना घर ही जला रहा है जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहा है। ईश्वर तब तक खुश होते हैं जब वो देखते हैं दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठा कर ले जाते हैं। लोग अधिक खुशी में नजर और दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार को पालते हैं। इतने कड़वे मत बनो कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वो आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल शीशा था, सब देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। चाह क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। ये बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मन साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए दो ही चीजें हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचता रहेगा, और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसती रहेगी। हम जिसकी जितनी परवाह करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से गायब हो जाती है। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से दुख खुशियों में बदल जाते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुरा कर माफ कर दो। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं, इसलिए उनको लगता है कि जब चाहे वो हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसे चाहे हर चीज आपसे करवा सकते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ लोग बुरे ज्यादा है, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या मतलब जिस सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचकर हमेशा डटे रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं, जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इनका सीधा सा अर्थ है, आप उनसे दो कदम आगे हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन हमारी परेशानियां हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। असली बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद
कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस इंसान को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आलोचना करने के साथ सहायता करने का भी भावना रखता है। आंसू दिल दुखने पर निकल आए, पर किसी का दिल दुखाने के लिए कभी ना निकले। अपने लोग नहीं, अपने कर्म लौट कर आते हैं। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां जो है वो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो चूकना मत, हम दिलवाले हैं। बदला लेना तो बुजदिलों का काम है। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वो लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वो दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वो गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जा गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला, रुको मैं गेंद निकालता हूँ। और इसी हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा था, दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी, सांसें फूल रही थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उसको दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और लेकर आ गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बांधी और रस्सी नीचे कुएं में फेंक दी और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि आ जाओ ऊपर, मैं तुम्हें खींचता हूँ। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा, पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं ये मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग रही थी, हालात खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी को अपने पूरे दम से खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उस बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहाँ गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतने दूर चले गए, कुएं में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना। दिमाग काम नहीं कर रहा था, एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा सकती, तुमने उस 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे उन्होंने कहा कि ये बच्चा सच बोल रहा है, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुझसे ये नहीं होगा, इसलिए ये बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बात
याद रखिएगा, पहला आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो बहरे बन जाओ, उनकी बातों को मत सुनो, दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।